लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के असम में पहुंचने पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राहुल गांधी के काफिले पर हमला करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद देश भर में हमले के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को मुख्यालय पर भी जिला कांग्रेस के बैनर तले TIT कॉम्प्लेक्स परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के बाद विधायक केदार डावर, पूर्व विधायक रवि जोशी, जिला अध्यक्ष रवि नाइक ने SDM ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इस शांतिपूर्ण यात्रा को बाधित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। पिछले 2 दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर योजनाबद्ध हमले किए गए। उपद्रवियों द्वारा यात्रा के पोस्टरों को फाड़ने की घटनाएं देखी गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रही सफलता और लोगों के व्यापक जन समर्थन से भाजपा डरी हुई है। राष्ट्रपति से मांग की है कि असम सहित भाजपा शासित राज्यों में यात्रा की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए, अन्यथा कांग्रेस देश भर में सड़क पर उतरेगी, जिससे अराजकता की स्थिति निर्मित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्वोत्तर राज्यों से गुजर रही है। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में यात्रा शांतिपूर्वक चल रही है, लेकिन जैसे ही असम में आती है, जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां भाजपा के मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहां के गुंडे राहुल जी की यात्रा के ऊपर न सिर्फ हमला कर रहे हैं, पोस्टर, बैनर, झंडे फाड़ रहे हैं। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हो गए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी भी घायल हो गए और कई वाहनों में तोड़फोड़ करी है। ये लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की धरकरों से डरने वाले नहीं है। उसी के विरोध में पूरे देश भर के जिला मुख्यालयों के ऊपर ये धरना प्रदर्शन था। हमने राष्ट्रपति के ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करी है कि इस तरीके को की हरकतों को रोका जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के भी हजारों कार्यकर्ता राहुल जी के साथ चलेंगे और देश में अराजक स्थिति बनेगी। रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस खरगोन। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे राहुल गांधी जी के काफिले पे जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, शांतिपूर्वक चल रही है और लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए चल रही है, उसी पे असम में जब आती है हमारी राहुल जी की यात्रा, तो वहाँ पे BJP के लोगों द्वारा उस यात्रा पे हमला करना, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करना, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना, ये काम एक कायराना तरीके से किया जा रहा है। ये निश्चित तौर पे लोकतंत्र पे एक हमला है। इसको उसको रोकने के लिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज हमने कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम SDM के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और जो लोगों इसके दोषी हैं उन पे कार्रवाई करने की मांग, और आगे चल के हम पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ, देश की जनता के साथ न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।